नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएसए न्यूज़। मैं हूं आपके साथ विष्णु राठौर। इस वक्त मौजूद हैं जनपद इटावा के वार्ड नंबर 23 में निर्दलीय प्रत्याशी सभासद के हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं किस तरीके से किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में हैं और इनके क्या कुछ वादे हैं। अच्छा, आपके वार्ड में आप 5 साल आपने सेवा की है लोगों की, तो लोग आपको किस तरह चाह रहे हैं और कैसे आपने समाधान किया है लोगों की समस्याओं का? समस्याओं का समाधान तो कभी अधिकारी से लड़ना पड़ता था, कभी चेयरमैन साहब से लड़ना पड़ता था, क्योंकि चेयरमैन साहब विपक्ष में थे। वो चेयरमैन साहब समाजवादी पार्टी के थे, हम भाजपा ही थे, तो वहाँ पर क्या होता था वो तो आप लोग सोच जानते हैं क्या होता है। सत्ता पक्ष वाले और विपक्ष वाले के साथ व्यवहार एक दूसरे के पॉजिटिव ही रहता है, लेकिन लड़ भिड़ के फिर भी हमने बात सुनो, बहुत सारे काम करवाए। लगभग 1.25 करोड़ का नाला पास करवाया, अड्डा उसा लेके अजीत नगर तक एक नाला हमने पास करवाया है। PWD में अभी पड़ा हुआ है, टेंडर वगैरह शायद नहीं हुए हैं। वो नाला है विजयनगर चौराहे से लेकर पचौली चौराहे तक, पचौली चौराहे से पचौली गांव तक, तो वो भी पास है। और 4 सड़कें जो हैं गांव को जो मुख्य रूप से जोड़ेंगी चारों तरफ से। एक अजीत नगर वाला रोड तो बन ही गया है, एक सेंट मारिया के सामने बम्बा से होते हुए मंडी वाला रोड आया है अड्डा उषा के लिए, वो बनना है, वो उसकी भी हमने लिख दे दी है। एक आया है अड्डा पचौली रोड से अड्डा उषा वाली रोड के लिए, वो भी हमने दे दिया है। अभी एक सगुन बाटका वाला जो सर्विस रोड किनारे से रोड आया है, सॉरी सगुन बाटका वाला रोड जो है वो पचौली रोड से लेकर अड्डा उसरा रोड तक गया है, उसका सर्वे भी हो गया है, टेंडर वगैरह हो रहे होंगे, उसकी प्रक्रिया अभी नहीं होंगे, चुनाव के बाद होंगे, ऐसा संहिता लगी हुई है। बाकी लगभग मेरे हिसाब से मैंने 100 वृद्धावस्था और वृद्धा पेंशन बनवाई हैं, और भी बहुत सारे ऐसे काम है, कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो बताए भी नहीं जा सकते। तो इतना सारा आपने अपने वार्ड में काम किया है और इस बार फिर से आप चुनाव मैदान में हैं, निर्दलीय प्रत्याशी हैं, पार्टी से टिकट नहीं मिला है, तो कैसे लोग आपको समर्थन कर रहे हैं? जब हमारे लोगों को ये मालूम पड़ा कि आपको टिकट नहीं, हमें टिकट नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने हमसे फ़ोन करके कहा कि आप सभासद जी चुनाव लड़िए, हम आपके साथ हैं। पहले भी उन्होंने ये कहा था हमारे सपोर्टरों ने कि आप बेनिश्चिंत रहिए, पार्टी टिकट दे अथवा न दे, आपको चुनाव लड़ना है। तो मेरे में जिस दिन लोगों को ये क्लियर हो गया कि आपको टिकट नहीं मिल रहा है, तो हमारे लोगों ने सुबह शाम को 6 बजे से लेके सुबह बात सुनो 12 बजे तक एक ही बात कही, जिसने मेरे हिसाब से 1500 फोन आए होंगे। उन्होंने कहा मेंबर साहब आप नामांकन करिए जाके, हम आपके साथ हैं, पार्टी नहीं है तो कोई बात नहीं। तो यह चुनाव कहें तो आपकी जनता का चुनाव है, आपकी जनता ने आपको लड़ाया है इस बार? नहीं, हम तो मैडम हमारी 95 में रह चुके हैं, जनता ही लड़ाया है, क्योंकि हमारे पास तो चुनाव लड़ने के पहले पैसे भी नहीं थे, ठीक है, तब भी वो मैडम हमारी चुनाव जीत के आई भारतीय जनता पार्टी से। और पिछली बार भी हमें भारतीय जनता पार्टी वालों ने जबरदस्ती टिकट दिया चुनाव का लड़ने के लिए, हमारा मन नहीं था, नहीं लड़ना चाहते थे। अब हम इसलिए लड़ना चाहते थे, पब्लिक मुझे चाहती है क्योंकि हमने लोगों का काम किया है, जो मुझे मालूम है वो पब्लिक जानती है। और ऐसा है, राजा सबका भला नहीं हो सकता है, लोग मुख्यमंत्री जी को गाली देते हैं, लोग प्रधानमंत्री जी को गाली देते हैं, तो हमें भी अगर 10-20-50 लोग देते हैं तो कोई परेशानी वाली बात नहीं। पर वो जो गाली जिन लोगों ने दी है वो वास्तव में मेरे लिए आज फूल बन गई है 5 साल में। तो इस बार कैसा माहौल है आपके वार्ड में, कितनी उम्मीद आपको लग रही है? हमें तो भाई साहब 100% पूरी जीत अपनी पक्की, और हम नहीं कह रहे हैं जो हमारे सपोर्टर बताते हैं, क्योंकि हमसे तो लोग हर आदमी अपोजिट वाला भी कहे भैया परेशान ना हो हम आपको वोट देंगे, वो सामने वाला डर तो मैंने कहा करेगा नहीं क्योंकि प्रजातंत्र है, तो यही कहेगा सभा जी हम आपको वोट देंगे, लेकिन हमारी जो अन्य लोग हैं उनसे जानकारी मिलती है कि शायद 100% हम जीत रहे हैं। तो ये वार्ड नंबर 23 के सभासद प्रत्याशी हैं, जिन्होंने बताया किस तरीके से अपने क्षेत्र में इन्होंने 5 साल तक विकास कार्य किए हैं, और ये पहले भी सभासद रह चुके हैं, तो जनता का इन्हें पूर्ण इन्होंने कहा है जिस तरीके से और भी कार्य अधूरे रह गए उनको ये आगे अगर सभासद बनते हैं तो फिर से उन कार्यों को पूरा कराएंगे और पूरी तरह से जनता के बीच रहकर सेवा करेंगे। लगातार आप देखते रहिए MSN न्यूज़।